नमस्कार इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। समाजवादी पार्टी के नेता अफजाल अंसारी ने एक बार फिर से साधु संतों को लेकर ऐसा बेतुका बयान दे दिया है जिसने अब तक के सभी समाजवादी नेताओं के द्वारा दिए गए बयानों से भी दो कदम आगे वो बढ़ गए हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी और सनातन और हिंदू के अपमान को लेकर जो किस्सा था वो कोई नया किस्सा नहीं है। ये किस्सा पुराने समय से स्वामी प्रसाद मौर्य के समय से चला आ रहा है और यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कभी रामचरितमानस जलाने की प्रतिया जलाने की बात किया करते थे और उसके बाद बारी आती है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने उसके बाद मोर्चा संभाला और अखिलेश यादव जिस तरह से मठाधीश और माफिया में कोई अंतर ना बताते हुए ट्वीट करके उन्होंने ये भी कहा था कि साधु संत को धूर्त की संज्ञा करा दिया था, लेकिन उसके बाद अफजाल अंसारी उनसे भी तो हाथ आगे निकल गए हैं। अब अफजाल अंसारी का कहना है कि साधु संत नशा करते हैं और शौक से नशा करते हैं। तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा इस तरह के बयान लगातार सुर्खियों में बने हुए, बेतुका बयान ये सनातन परंपरा और साधु संत की परंपरा को लेकर दिया गया है, क्या इसके पीछे समाजवादी पार्टी की कोई सोची समझी रणनीति है या फिर क्या है असली वजह, आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? तो सुना आपने सपा नेता अफजाल अंसारी का ये ज्ञान। सनातन को लेकर अफजाल अंसारी का ज्ञान क्या कहता है? अफजाल अंसारी का ज्ञान कहता है कि एक मालगाड़ी गांजा भी कुंभ चला जाए तो सब खप जाएगा। अब तक तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ही मठाधीश को माफिया और संतों को धूर्त बता चुके हैं, मगर अब अफजाल अंसारी उनसे दो कदम आगे निकल चुके हैं और साधु संतों और सनातन को खुलेआम गाली देने का काम कर रहे हैं। आप खुद ही सुन लीजिए अफजाल का सनातन को लेकर नया ज्ञान। ये गांजा को हम कहते हैं, क्या आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो? लेकिन कानून का इतना बड़ा माखोल क्यों लाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। कानून में अवैध और पीने के लिए छूट, भका भक। अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एकाद मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। सपा नेता अफजाल अंसारी का कहना है साधु संत बड़े शौक से गांजा पीते हैं, यकीन नहीं होता तो गाजीपुर के मठों में चलिए। अफजाल अंसारी जिस तरह से एक बार फिर से अपने बेतुके बयान के जरिए संतों का अपमान कर रहे हैं, उससे सपा का एजेंडा लगता है साफ हो चुका है। सनातन का अपमान, साधु संत और सनातन के अपमान की दास्तान सपा में कोई नई नहीं है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, रामायण और रामचरितमानस की क्रांतियां जलाने तक का काम कर चुके हैं, फिर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव साधु संतों को धूर्त बता चुके हैं और अब अफजाल अंसारी संतों को नशेड़ी करार दे रहे हैं। मगर सवाल ये कि क्या संतों और सनातन का अपमान कर सपा का पुराना एजेंडा है या चुनावी रणनीति? क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक सपा नेता मठ मठाधीश से लेकर संतों का अपमान कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि वर्ग विशेष को लुभाने के लिए संतों के अपमान कर सपा अपनी राजनीति चमकाने और खुद को पीडीए हितेशी साबित करने के लिए सस्ते राजनीतिक हथकंडे का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या सपा अफजाल अंसारी के इस बयान के साथ खड़ी है? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई?
तो सुना आपने जिस तरह से अफजाल अंसारी यहां पर गांजे को लेकर साधु संतों पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुंभ में एक मालगाड़ी गांजा भी चला जाए तो खप जाएगा। सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अब तक जो बयान आए हैं अफजाल अंसारी उससे भी दो कदम आगे निकल चुके हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय मैं पहले करा देती हूं। हमारे साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता श्याम सलूने वशिष्ठ जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा सपा प्रवक्ता अशोक तिवारी जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो वशिष्ठ जी सबसे पहला सवाल आपसे ही, जिस तरह से ये अफजाल अंसारी का अब ये बयान आया है और साधु संतों को नशेड़ी सीधे तौर पर करार दे रहे हैं, कहना है कि एक मालगाड़ी अगर कुंभ में पहुंच जाए गांजा तो खप जाएगा, क्या कहना है इस पर आपका? आप सभी को बधाई जी। देखिए अफजाल अंसारी जो बोल रहे हैं ये उनकी अपनी भाषा नहीं है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने सरकारवादी पार्टी की स्थापना की, वो स्थापना ही इन्होंने केवल भाषा पर की और इन्होंने सदैव चाहे उनके स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव रहे हो, इन्होंने भी महत्वपूर्ण सुबह साधु संतों को जिस तरह से गोलियां चलता के मरवाया, उनका खून बहाया, उनकी आस्था हिंदू धर्म सनातन धर्म में है ही नहीं। इन्होंने अपने सांस्कृतिक में शहीद प्रसाद मोर्चा का मुहावरा बनाया, जिसमें कई टीवी चैनल पर बात कही थी कि एक दिन शहीद प्रसाद मोर्चा अहम चुनाव होंगे, आपको जो बात सत्य साबित हो रही है। अफजल अंसारी अंसारी बिंदुओं का तो इतिहास है, ये तो हत्या पर उल्लास पर राजनीति करते हैं, जो हिंदू के हैं मुसलमान के। श्याम सलूने जी आपके पास वापस आती हूँ मैं। अशोक तिवारी जी क्या कह रहे हैं इस पर आपका? स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर तो आप कहते थे कि पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है, अब अफजाल अंसारी जिस तरह से कह रहे हैं कि एक मालगाड़ी गांजा कुंभ में खप जाएगा, इस पर क्या कहना है आपका? अफजाल अंसारी जी को जो लगता होगा उन्होंने कहा, उनके बयान से समाजवादी पार्टी का कोई मतलब नहीं है नंबर एक, लेकिन उनको जो लगा होगा उन्होंने जो प्रैक्टिकल में देखा होगा ऐसा उन्होंने कहा होगा, बेहतर जवाब वही दे पाएंगे। नहीं तो सपा सुप्रीमो के पोस्ट से तो समाजवादी पार्टी का लेना देना था ना, वो भी तो संतों को धूर्त करार दे रहे थे। नहीं कभी नहीं कहा, उन्होंने तो कहा कि संतों के वेश में उनके वेश का गलत इस्तेमाल करते हैं लोग और तमाम ऐसे धूर्त में मिलते हैं। अच्छा। ये बात सही है, तमाम धूर्त लोग संतों के वेश दिशा को इस्तेमाल करके उसका बेजा इस्तेमाल करते हैं, ये तो बात सही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं अशोक तिवारी जी, हर उदाहरण देने के लिए अब आपको सनातन संत साधु और मठाधीश की जरूरत पड़ रही है, तो क्या आप जो इसे सच्चाई है वो बोली, ये सच्चाई है आप कह रहे हैं? सच्चाई है, सनातन का कोई मतलब ही नहीं है, सनातन तो बहुत अच्छी परंपरा है, सनातन संस्कृति से अच्छी संस्कृति कोई विश्व में पूरी नहीं है, लेकिन उसका बेजा इस्तेमाल करना, उसके वेश को गलत इस्तेमाल करना, वेशभूषा धारण करके के धूर्त लोग का आना, धूर्त लोग शामिल हो जाते हैं उसमें, तो वेशभूषा की बात कही गई है ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तो, आप साधु संतों की परंपरा को अच्छी परंपरा कह रहे हैं और अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि एक मालगाड़ी गांजा खप जाएगा। नहीं ऐसा है, अपवाद होते हैं उसमें भी कुछ लोग गांजा का भी सेवन कर सकते हैं, ये कोई छिपी हुई बात है नहीं, साधु संतों के वेश में भी जो है बहुत से लोग गांजा का सेवन करते हैं, कोई छिपी हुई बात नहीं है, उन्होंने कहा होगा आप तरीके से, बेहतर जवाब वही दे पाएंगे इसका। श्याम सलूने जी क्या कहना है इस पर आपका? अशोक जी गोल गोल घुमा रहे हैं इस बात को, सनातन धर्म का सनातन धर्म माने जब हम दासों की बात करते हैं, जब तीजवा है जो तीजवा है ना, जब दासों ने बात ना है जिसका सनातन अशोक तिवारी जी हमारे मित्र मेरे भाई जब ब्राह्मण रत्न से पैदा हुए ब्राह्मण चिंता आते हैं और ये सनातन धर्म की आलोचना जो इस तरह से शहर काम कर रहे हैं, इनकी क्या जरूरत है? राजनीति अलग विषय हो सकता है, आपको समाजवादी पार्टी के राजनीति करनी है अच्छी बात है, लेकिन अपने धर्म की आपके कम मंडलों पर गांजा जा रहा है, आपके मंडलों पर उतनी खा रहा है, आपके धर्म पर उतनी गांजा आ रही है और अशोक तिवारी जी आप उससे चुप रहते हैं। श्याम सलूने जी आपसे अनुरोध है अपना फोन अपने नजदीक रखिए ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए, आपके पास मैं वापस आती हूँ। हरिनाथ उपाध्याय जी क्या कुछ कहना है, ये जो बयान निकल कर सामने आया है इस पर आपका क्या कहना है, क्या राय है आपकी पार्टी की? प्रियंका जी देखिए,
हिंदू धर्म और सनातन का अपमान भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा करते रहे। साई किरण रिजिजू जी कहते हैं कि हम तो गाय की बीफ खाएंगे, आप क्या कर लेंगे। और इस तरह से कई स्वामी प्रसाद मौर्य की बात आप कह रही थी, तो वो भारतीय जनता पार्टी में पिछले 5 साल तक मंत्री थे, वही भारतीय जनता पार्टी उनको मंत्री बनाई रखी थी। निषाद जी, संजय निषाद जी भी हिंदू धर्म सनातन पर अपनी बात कहते हैं, उस पर भी टिप्पणी करिएगा। हाँ, ये बात है जो आज अफजाल अंसारी जी ने बात कही, उनका कहने का मतलब कुछ और था, लेकिन वो भाषा का संयम का सही उपयोग नहीं कर पाए। किसी भी धर्म का हमारी पार्टी किसी भी धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाने की समर्थन नहीं रही है, चाहे रामगिरी जी मुस्लिम धर्म और उनके हजरत मोहम्मद साहब पर बयान दिए, चाहे इनके नेता मदरसों पर बयान देते रहते हैं, चाहे जो भी हिंदू धर्म सनातनी साधु संतों। नहीं, ठीक है डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी, आप भले ही समाजवादी पार्टी का बचाव करें, लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी का भी एक बयान सामने आया है, पहले आपको वो सुना देते हैं। ये पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि ये निरर्थक बात है। साधु समाज सम्मान हम लोग सम्मान करते हैं और ये पूरी तरीके से गलत है। साधु समाज सम्मान हम लोग सम्मान करते हैं और ये पूरी तरीके से। हरिनाथ उपाध्याय जी, सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय जी? प्रदेश अध्यक्ष खुद ही सनातनी है और धर्मों का सम्मान करते हैं, बाबा विश्वनाथ के भक्त है, काशी महाकाल के भक्त है, और वो जो है साधु संतों का सम्मान करते हैं। तो जहां तक बात है, समाजवादी पार्टी भी सम्मान करती है सनातन धर्म की, हिंदू की, इसमें कोई बात तो है नहीं। नहीं, अगर साधु संत और संत परंपरा का सम्मान करते हैं, तो संत परंपरा पर जब समाजवादी पार्टी के नेता अफजाल अंसारी इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो इस पर आपको ये नहीं कहना, अजय राय तो कह रहे हैं कि ठीक है निरर्थक बयान है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसका मतलब वो नहीं है। हम मतलब तो कहना कुछ चाहते थे, लेकिन शब्दों की मर्यादा रखना चाहिए था, उसका हम बचाव नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये भी बात सत्य है प्रियंका जी, इधर पूर्वोत्तर के हमारे उत्तर प्रदेश में 2-3 सालों में जिस तरह से ड्रग्स आदि के व्यापार बढ़े हैं, उनका उद्देश्य यह था कहने का, लेकिन वो संयमित भाषा नहीं कर पाए, वो उनको वो भाषा कुंभ की बात नहीं कर। ठीक है हरिनाथ उपाध्याय जी, कितने बार कहकर आप मतलब बार बार समझाइएगा, कभी आप ट्वीट का मतलब समझाइए। अशोक तिवारी जी, अपमान करना नहीं चाहिए। इस बयान पर तो हरिनाथ उपाध्याय जी और अजय राय भी साफ कह रहे हैं कि निरर्थक बयान, इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद भी क्या आप सफाई देंगे? मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि उसका जवाब वो खुद ही देंगे, ठीक है। हमको जहां हमको लगता है कि हम तो उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम तो सभी धर्मों की सम्मान की बात करते हैं। नहीं तो हरिनाथ उपाध्याय जी, ये तो फिर एजेंडा लंबे समय से चला आ रहा है ना, कि पार्टी के नेता बयान देते हैं, प्रवक्ता ना उस पर हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, ना खंडन करते हुए नजर आते हैं, और उसके बाद हर किसी का निजी बयान हो जाता है। लेकिन उनकी बात तो छोड़ दीजिए, अफजाल अंसारी की बात तो आप छोड़ दीजिए, सपा सुप्रीमो झूठ बताते फिर आप उस पर सफाई कर देने लगते हैं। तो आपको ये मानना पड़ेगा ना कि आपको हर बयान और हर एग्जाम्पल देने के लिए अगर संत समाज सनातन मत मसाले की जरूरत पड़ रही है, तो इसके पीछे रणनीति क्या है? प्रियंका जी, देखिए, आप जो कहना चाहती है वो रणनीति नहीं है, हम लोगों को सबका वोट चाहिए, हम सबको हित की बात करते हैं। हाँ, जो आप लोग ये कहते हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति, नहीं तो हरिनाथ उपाध्याय जी, कभी नशेड़ी, कभी धूर्त, कभी माफिया बताकर वोट लेंगे आप? कौन बता रहा है प्रियंका जी? देखिए, अरे आपके सहयोगी बता रहे हैं हरिनाथ उपाध्याय जी, अब उसके मतलब आप कितने भी समझाते रहिए। अच्छा प्रियंका जी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो गलत बयानबाजी किया, रामगिरी जी को ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, और दूसरी बात, अभी कंगना रानावत ने बयान दिया किसानों पर, तो आपकी भारतीय जनता पार्टी की लोगों ने उनसे बयान से अपना वापस नहीं ले लिया, उनका निजी बयान था कि नहीं था, ये चक्कर वापस लीजिए। नहीं नहीं, आज बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं हरिनाथ उपाध्याय जी, राम मंदिर में प्रधानमंत्री जब अपनी पत्नी के साथ नहीं बैठे थे, तो आप सनातन की रक्षा की बात कर रहे थे ना, आप कहाँ गई आपकी सनातन की रक्षा? तो भाई हम श्याम कलोड़े जी, जवाब दीजिएगा इस पर, भाई हमारे आप ही थे ना जो मंदिर मुहूर्त से लेकर सनातन की रक्षा की बात कर रहे थे और हर डिबेट में बात करते नजर आते थे जी। यही सनातन धर्म का अपमान है। हरिनाथ जी, आपने बहुत कहा, सबने सुना, लेकिन वो रणनीति पर है, भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म को गाली गंदी कराने की नहीं है, ये है अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गाने का दूसरे में लाइफ। श्याम सलोनी जी, फोन को जरा अपने पास में रखिएगा, अपने पास में रखिए, हाथ में ले लीजिए ताकि आपकी आवाज सुनाई दे जी।
अखिलेश यादव और गांधी जी को लगाया उसमें है जो मिथिला महाराष्ट्र किस तरह फीसद है, किस तरह से राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को हरियाणा में इंतजार कर दिया, दिल्ली में इंतजार कर दिया, तो आज मुसलमान कहीं कांग्रेस के तहत आकर्षक में आ गए हैं। इसलिए अखिलेश यादव अफजल अंसारी से एक तरह के बयान दुनिया के दिमाग में दबा रहे हैं, सबसे भी मुसलमान एक तरह से सतह के तहत आकर्षित हो गए हैं। मुझे यह भय रहा है कि इस तरह के बयान आने से अखिलेश यादव जी आपको पहले के हमारे मन में क्या रखा है नहीं होंगे, जिस तरह से आपको प्रवक्ता आपने धर्मों में बताया है, लेकिन ब्राह्मण को भी आप धर्म में बता रहे हैं, अभी मैं धर्म में बताया अपने मित्रों का क्योंकि मैं धर्म को मना रहा है और आपके साथ लगभग है मुझे तो। श्याम सलोनी जी आपके पास एक बार फिर से वापस आती हूँ। हरिनाथ उपाध्याय जी अपनी बात आप पूरी रखिएगा। दूसरी बात, जिस तरह की बात आप कह रहे हैं ऐसे में अगर बयानों की बात की जाए तो किसी एक वर्ग के लिए ही क्यों फिसलती है हमेशा जुबान? नहीं प्रियंका जी, ऐसा है कि जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब भगवान हनुमान को लेकर कह रहे थे कि ये दलित है आदिवासी है, उस समय सनातन धर्म का सबसे ज्यादा अपमान हुआ था। हमारे देवताओं को भी ये जात में बांट रहे थे। हमने बताया किरण रिजिजू जी गाय को लेकर किस तरह से विवादित बयान दे रहे थे। इस तरह से ये लोग हिंदू धर्म को जिस तरह से 10 वर्षों में हमारे धर्म को आस्था को चोट पहुंचाई है किसी पार्टी ने नहीं पहुंचाई है। आप रह गई बात यहां पर जो आप अफजल अंसारी की बात कह रही है उसका जवाब वो देंगे, वो कुछ और कहना चाहते थे लेकिन कहते समय भाषा की मर्यादा का ध्यान देना चाहिए, उस बात का हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म परंपरा में साधु संतों का काफी सम्मान है, वो जो है हमेशा अच्छाई के रास्ते चलने की बात करते हैं, ये बात अलग है उनके नाम पर कुछ लोग गलत काम भी करते हैं, तो कुछ के लिए अपवाद हम लोग नहीं मानते हैं, हम अच्छा ही मानते हैं। और अफजल अंसारी जी जो कह रहे थे उनकी बात से यही स्पष्ट हो रहा जहां तक हम समझ रहे हैं कि गाजा को लेकर जो अवैध या वैध के बीच मामला लटक रहा है, कुछ लोग कहते हैं प्रसाद है, कुछ लोगों कह रहे थे अला भगवान शिव का प्रसाद तो मानते ही है लेकिन पीने की बात का हम लोग नहीं समर्थन करते हैं कि साधु संत पीते हैं। भाई पीते होंगे, बहुत लोग पीते हैं, इसीलिए तो इतना ड्रग्स बढ़ा है उत्तर प्रदेश में। वो सभी के लिए बात कर रहे थे जिस पर जो आप रोक लगाए उसका कानूनी ढंग से सही ढंग से इस्तेमाल करिए। ठीक है, श्याम सलोनी से जवाब दीजिएगा, हमारे जवाब दीजिएगा लेकिन लेकिन एक मालगाड़ी से उन्हें भिजवा दिया जाएगा तो खप जाएगा। बड़ा बयान है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी और इसका मतलब है कि इस तरह का बयान आया है तो पीछे कुछ तो पक रहा है। श्याम सलोनी, हरिनाथ उपाध्याय जी और हमारे मित्र अशोक तिवारी जी, मैं इन दोनों के माध्यम से इनकी पार्टी के नेताओं से संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह की राजनीति अफजलंसारी जैसे कुख्यात आतंकवादी ग्रुप के लोग कर रहे हैं, कि जिस तरह की से हमारे धर्म हमारे साधु संतों पर उंगली उठा रहे हैं, इनको क्या अधिकार है? इनके मस्जिदों में इनके मौलाना जिस तरह से हथियार बरामद होते हैं, आतंकवाद के लोगों को जो पनाह देते हैं, आज उस पनाह को उस माफिया राज को हमारे संत ने जिन संतों को ये जागे दे रहे हैं, इन्हीं संतों के एक चेहरे ने हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने आज उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म किया। जम्मू कश्मीर से हमारे योगी जी मोदी जी ने आतंकवाद को खत्म किया है। ये दोनों संत हैं, इसी संतों से बखला करके अफजल अंसारी का अशोक तिवारी जो जो इनका एक दबदबा था इस तरह से उन्होंने रखा था वो खत्म किया है। और अखिलेश यादव जी ने राहुल गांधी से दुखी होकर के, क्योंकि राहुल गांधी अखिलेश यादव की जिस तरह की अवहेलना कर रहे हैं, हरियाणा तक उनको दरकिनार कर दिया, हरियाणा जम्मू कश्मीर में आपने माफी वहां से दरकिनार किया, मध्य प्रदेश में उनके नेताओं ने कहा कौन अखिलेश पटेल अशोक तिवारी जी जवाब दीजिए, मुसलमानों को आप एकत्रित करने के लिए ये घिनौनी वार्तालाप करा रहे हैं। प्रियंका जी, जी हाँ जी, मैं अपनी बात रखू जी जी जी। प्रियंका जी देखिए, आप जो मसला उठा रही हैं, जो बता रही हैं, इस पर स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि आम जन चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो चाहे देश की जनता हो, हर कोई ये जानता है कि साधु के वेश में या किसी वेश में, किसी भी वेश में, किसी भी तरह के धार्मिक वेश में तमाम
दुष्ट लोग घूमते हैं और जनता चौकन्नी रहती है, आम जनता में चर्चा रहती है कि भैया किस वेश में आया है, इसको पहले जांच रख लो भी सही है जी। आज ये आशंकाएं बढ़ रही हैं, जिस तरह अपराध बढ़ रहे हैं उस तरह से जो है वेशभूषा भी धारण कर लेते हैं अपराध। नहीं तो फिर पुलिस, किसी एक ही भाई को टारगेट किया। अशोक तिवारी जी आप कहना चाह रहे हैं सबके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो फिर नाम जब लिखते हैं तो फिर कोई एक धर्म विशेष का नाम लिखने की क्या जरूरत, फिर तो आपको सारे धर्म गुरुओं के बारे में लिखना चाहिए था ना, अगर आप ये समझाना चाह रहे थे तो। अगर पुलिस की बेस में भी अगर कोई अपराधी आएगा तो पुलिस का भी उठाना कर लेगा। नहीं अशोक तिवारी जी, साधु संत और पुलिस, साधु संत और पुलिस आप भी अंतर समझ रहे हैं ना। ऐसे ही साधु संतों का भेद धारण करने वाले असंख्य लोग हैं, काफी ऐसे संख्या में लोग हैं जो साधुओं का भेद धारण करके और नहीं तो फिर अगर अगर आपके कहने का मतलब ये है तो धर्म गुरुओं का आपको प्रयोग करना चाहिए था, फिर आप किसी एक धर्म को ना लेकर सब धर्मों की बात करते हुए नजर आते हैं। अगर आप जनता को चौकन्ना करने की बात कर रहे थे, आप समझने की बात अलग है। जो मैं कह रहा हूँ इसी इसी मंशा को लेकर के आदरणीय अखिलेश जी ने ये बात कही है और कुछ नहीं, इसके इसके इतर कुछ नहीं है। बाकी साधु गुरुओं का बहुत सम्मान करते हैं, जो सच्चे संत है सच्चे साधु है, ऐसे ही छठ गुरु से मठाधीश नहीं है, जो मठाधीश है जो एक से मठाधीश अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ मठाधीश ऐसे होते हैं जैसे आपको कहा जाए भी कि आप पत्रकारों के मठाधीश हैं, आपको बुरा लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। उस तरह के मठाधीश मुख्यमंत्री भी हमारे नहीं, ठीक है अशोक तिवारी जी, यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बार बार बयान आते थे, आप कुछ नहीं कर पाते थे, यही वजह है। नहीं आप हर बात पे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों के समय से आप अभी तक सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी और पार्टी के नेताओं ने अभी तक ये नहीं सीखा है कि अगर बयान देना है तो किस तरह से देना है। इसका मतलब है कि सीधी साफ रणनीति है कि आप बयान कुछ भी दीजिए समाजवादी पार्टी में उस पर कुछ नहीं होने वाला है, या समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं अंदर से प्रोत्साहन मिलता है। अफजाल अंसारी का ये बयान निकलकर सामने आए और आप कह रहे हैं कि उनका खुद का बयान है, खुद का बयान है और हमारा अंदाजा है, हमारे ऐसा लगता है उन्होंने अंकुश लगाने के लिए गांजे के प्रयोग पर जो खुला प्रयोग हो रहा है उत्तर प्रदेश में उस पर अंकुश लगाने के लिए ऐसी बात नहीं होगी, ये मेरा अंदाजा है, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है ये आपका अंदाजा है हाँ, और उसके साथ ही साथ मालगाड़ी का प्रयोग करना जरूरी था क्योंकि वो सपा की रणनीति के तहत जाता था। श्याम सलोने जी इस प्रयोग का जवाब नहीं दे पाएंगे, हम तो नहीं बोल रहे हैं। मेरे मित्र अशोक तिवारी जी, मेरी एक सवाल के आप जवाब दे दीजिए। जिस तरह से आप कहते हैं कि अफजल अंसारी ने उनका व्यक्तिगत बयान है जो आपके धर्म गुरुओं के बारे में आपके संतों के बारे में बोल रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी के पास कोई एक ऐसा हिंदू सांसद नहीं है जिसके अंदर सनातन धर्म हो और वो ये बात कह सके कि मस्जिदों में क्या होता है, वो कह सके कि मौलाना का कर्तव्य क्या है, मौलाना कर क्या रहे हैं, मस्जिद में पढ़ाया क्या जा रहा है, कोई एक हिंदू सांसद आपका कह सकता है? ये आपकी जो पार्टी है ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये मुस्लिम समाजवादी पार्टी है, इसको मैं मजपा कहता हूँ। आपने हिम्मत नहीं है, एक भी हिंदू में आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप मुस्लिम के बारे में बात बोल सको? आप बार बार आप जयचंद, एक जयचंद नहीं, आज समाजवादी पार्टी में आप जयचंद के रूप में हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपको आने वाले समय में आपकी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। अशोक जी आज आपको लग रहा है आज आप अखिलेश यादव आपको कुछ नहीं देंगे, आपके धर्म की अवहेलना हो रही है और आप उनकी सिफारिश को बैठे हो, आप उनकी तारीफ कर रहे हो, धर्म माननी चाहिए आपको, तत्काल जागरूकता दे देना चाहिए। धर्म आप कोई अच्छे से धर्म का नहीं, अपने राष्ट्र का नहीं, वो व्यक्ति किसका जरा हो सकता है? आप लास्ट सबसे पहले आप सनातन धर्म के हैं, आप भारत के हैं और दोनों पर ही आप खड़े नहीं कर रहे हैं, ना आप अपने धर्म को बचा पा रहे हैं ना आपके राष्ट्र को बचा पाए, और आपके सांसद बहुत सुनियोजित तरीके से आपके धर्म को आपको नीचा, आपके यहाँ बैठ करके आपको नीचा दिखा रहे हैं, और आप किस मजबूरी में है अशोक तिवारी जी, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उनके प्रचार में बोल रहे हो? अरे सवाल है यहाँ पर, ये लगातार जिस तरह के बयान निकल के सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खुले मन से जिस तरह से कहा था कि कटेंगे तो बटेंगे और उसके बाद इस तरह के बयानों की बौछार आ गई है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उस बयान के बाद समाजवादी पार्टी की भी ये रणनीति है और लगातार इस तरह के हमले साधु संत और सनातन पर इसी रणनीति के तहत किए जा रहे हैं?
कहां पे योगी आदित्यनाथ ने कहां गलत किया था। तो हर धर्म का व्यक्ति अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे। मैं मेरे मेरे घर में यदि मैं पांच भाई हैं, हम चार भाई हैं, हम अलग अलग जाएंगे तो बाकी के लोग पड़ोस के लोग हमारे उसका फायदा उठाएंगे। हम एक होकर रहेंगे तो हम हर तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो कहां महाराज जी कौन सी गलत बात कही है? आज देख लीजिए हम बट गए, तिवारी थी वहां जाकर के उनके समर्थन में बैठ गए तो हम कटेंगे नहीं। लेकिन श्याम कलूने जी उनका संदेश हिंदुओं के लिए था, ये तो स्पष्ट है। ये हिंदुओं के लिए ही नहीं है, ये सबके लिए है। हिंदू देखिए सबसे ज्यादा ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, ये हिंदू राष्ट्र है। केवल घोषित करने की बात है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ चैचंद बैठे हैं, वो चैचंदों से निपटना होगा हमको। अखिलेश यादव के रूप में, राहुल गांधी के रूप में, अब राहुल गांधी के तो पता ही नहीं कौन जाते। अशोक तिवारी जी जवाब दीजिएगा, क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू एकता की बात की तो समाजवादी पार्टी को लगा कि अब तो प्रियंका जी जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब समझती है किस लिए कहा गया, और जनता इनके चौंसलों में अब आने वाली नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं उसमें फंसने वाली नहीं है। जनता जानती है हमारा देश एक है, अखंड है। अरे अशोक तिवारी जी आपको तिवारी जी ये तो आपके बयानों और बयानों सोशल मीडिया पर ट्वीट करने से पहले सोचना चाहिए ना। आपके मुस्लिम सांसद में क्या देने भर से आप हिंदू मुस्लिम एकता कैसे कर सकते हैं जब बयान आपके ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मालगाड़ी भर के गांजा खत्म हो जाएगा, कभी संतों को धूर्त करने की बात करते हैं, क्या जरूरत है आपको राजनीति में? अरे भाई योगी आदित्यनाथ के बयान आपको नहीं दिखते हैं, आपके कान सुनाई नहीं देता है आपको? कितने नफरती मैं अफजाल अंसारी के बयान पर आज डिबेट कर रही हूँ तो मैं उन्हीं की बात करूंगी, उनका बयान आएगा तो उन पर भी बात करूंगी। हरिनाथ उपाध्याय जी फाइनल कॉमेंट दीजिएगा। कुल मिलाकर प्रियंका जी कोई भी बयान हो, जैसे आप कह रही है मदरसों में, क्या मदरसों में गलत काम ही होता है? मदरसों में शिक्षा के केंद्र है, अच्छे काम होते हैं, ये ठीक है। एक दो बार अपवाद घटनाएं हो जाती है तो हम सभी मदरसों को गलत नहीं कह सकते हैं, उसी तरह से हम सभी साधु संत को गलत थोड़ी कहेंगे। बिल्कुल यही बात है हरिनाथ उपाध्याय जी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन उसी तरह आप साधु संतों को भी टारगेट नहीं कर सकते हैं। एक मालगाड़ी गांजा कुंभ में भिजवाने की बात भी नहीं कर सकते हैं। अब आप उसे संजीदा तरीके से ना ले, वो आपका समर्थन कर रहे हैं, वो आपकी रणनीति है। अच्छा शब्द का क्या नहीं किया, लेकिन जिस तरह से पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग एक धर्म विशेष पर वार कर रहे हैं, आप देखिए कर्नाटक में एक महालक्ष्मी की हत्या हो गई लड़की की, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, उसमें अशरफ को खोज रहे थे 3 दिन 3 तक, अब पकड़ा गया उसका पति दूसरा जो कि हिंदू था। यानी हर एंगल में ये मुसलमान को लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप बटेंगे तो कटेंगे नहीं नारा लगाकर उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार ने सिंह अधिकारियों वाली की लिस्ट मांग ली है, उसमें अपने स्वजाति लोगों ठीक है, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगर आप टारगेट करने की कोशिश ही कर रहे हैं तो कम से कम किसी का सहारा लेकर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास ना करें तो बेहतर होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, श्याम शलोने जी, हरिनाथ उपाध्याय जी, अशोक तिवारी जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अफजाल अंसारी के बयान के बाद सियासी पारा हाई है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उस पर बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, और लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और अब अफजाल अंसारी के द्वारा जिस तरह से ये बयान दिए जा रहे हैं उससे तो सपा की रणनीति बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि पीडीए को खुश करने के लिए समाजवादी पार्टी, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां हिंदू एकता की बात कर रहे हैं तो वहीं समाजवादी पार्टी हिंदू और सनातन पर हमला करने की रणनीति पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को इस रणनीति से फायदा होता है या नुकसान, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान उसके हक में काम करते हैं या उसके विरोध में, ये तो आने वाला वक्त और उत्तर प्रदेश की जनता ही बताएगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही, खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, मुझे दीजिए इजाजत।